के वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमन अमान के हवाले से मुनाकिद इजलास से खिताब, कौम और इदारे हमारे हैं, दराड़े डालने वाले मुखलिस नहीं। शहबाज शरीफ का कहना था कि कोई मुजरिम सजा से बच नहीं पाएगा। उनका कहना था कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। 9 मई को जो कुछ किया वो दुश्मन भी नहीं कर सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि 9 मई इमरान खान के हुक्म पर जत्तों ने दहशत गर्दी की। वाकयात 9 मई से लेकर उसके बाद जो हुए वो इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कहना चाहूँगा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तारीख दिन जिस दिन पाकिस्तान के लिबादे में दहशत गर्दी की गई इमरान नियाजी के हुक्म पर, उनके जत्थों ने मुल्क दुश्मनी की और बदकिस्मती से वो काम कर दिखाया जो 75 साल में दुश्मन ना कर सका। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि तहरीक तालिबान ने GHQ पर हमला किया था और इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि इन पाकिस्तानी नुमा दुश्मनों ने GHQ पर हमला किया। लिहाजा ये तय हुआ था कि किसी शख्स को, चाहे वो मनसूबा बंदी में शामिल है, चाहे वो उकसाने में शामिल है, चाहे उसने गलीज गंदी गालियां दी, नारे लगवाए, और चाहे वो तोड़फोड़ में शामिल है, कोई भी कानून के पानी हाथों से बच नहीं सकेगा।